नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है उदाहरण नंबर 2.18। क्वेश्चन पहले लिखेंगे और देखते हैं आपको समझ में आता है कि नहीं एनसीईआरटी का क्वेश्चन। तो लिखिए उदाहरण नंबर 2.18 एस कॉमा पी कॉमा डी कॉमा एफ संकेतन का प्रयोग करके निम्नलिखित क्वांटम संख्याओं वाले कक्षक के बारे में बताइए। एन बराबर टू अगर हो और एल बराबर अगर वन हो तब क्या होगा। ख एन बराबर चार हो और एल बराबर जीरो हो तब क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि किस प्रकार से पूछा जाता है। एन बराबर फाइव हो और एल बराबर थ्री हो और घ एन बराबर थ्री हो और एल बराबर दो हो तब क्या होगा। कौन चलिए क्वेश्चन इसको बनाइए, देखते हैं कौन कौन बनाते हैं इस प्रश्न को। एक मिनट का वक्त है। Within a minute, you have to answer. Without doing any late, with high concentration. Concentration को high करें. Keep your concentration high and solve this question with the help of your concept related with quantum number. हम अंग्रेजी बोलते हैं तो तुम कुछ से कुछ बोलता है बीच में। चलो बनाओ, सॉल्व करो जल्दी विदाउट डूइंग एनी लेट। तुम लेट के कारण क्वेश्चन नहीं लिखने पर दो बार लिख रहा है क्वेश्चन। कहां था तुम? इसको लिखने के लिए हम बोलेंगे कि क्वेश्चन लिखो। बनाओ जल्दी, बना दी छोटी? देखिए गर्ल इंटेलिजेंट हो गई, तुम छोटी बना दी? तुम बना दिया? बना दी। चलिए उत्तर में एनसीईआरटी आप लोग अपना अपना मिलाएंगे, हम एनसीईआरटी के आधार से लिखेंगे ताकि आप लोगों को समझ में आना चाहिए। कभी भी एन एल और कक्षक इस प्रकार से एनसीईआरटी लिखा है उत्तर। अब देखिए को थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं। एनसीईआरटी लिखा आंसर आपको समझने के लिए एन बराबर दो और एल बराबर वन तो कक्षक क्या होगा बताइए। यही क्वेश्चन पूछ रहा, टू पी क्वेश्चन का आंसर लिखने आ गया आपको। वेरी गुड। ख में है n बराबर फोर और l बराबर जीरो, क्या लिखेंगे 4s। किन्हीं को समझ में नहीं भी आ रहा है? बिहार शरीफ
नाक बाद में पूछ लीजिएगा, इधर बताइए। समझ में आया? ख ग एन बराबर पांच और एल बराबर तीन, क्या होगा? फाइव एफ, वेरी गुड। और घ, घ में कहता है थ्री और टू, बताइए क्या होगा? थ्री थ्री डी। तो क्वेश्चन कैसा था और आंसर कैसा था, अब आपको 100% समझ में आया कि एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन अगर आप पढ़ते हैं तो क्वेश्चन को समझने से कोई बचा नहीं सकता, क्वेश्चन आपको ऑटोमेटिकली बन जाएगा, बनेगा कि नहीं? थोड़ा मेहनत लगेगा, ज्यादा लगेगा कि थोड़ा कठिन काम है, तो सभी लोग लिख लिए। लिखना नहीं था, कॉन्सेप्ट था। हम कल पूछेंगे कि कल हम दो क्वेश्चन आपको पढ़ाए थे 2.17 एंड 2.18, 2.17 क्वेश्चन क्या था और 2.18 क्वेश्चन क्या था। सबसे पहले क्वेश्चन बोलना है, क्योंकि अगर क्वेश्चन आपको याद रहेगा तो आंसर गारंटी है कि याद रहेगा ही रहेगा। तो पहला क्वेश्चन तो आपको याद है, एन बराबर थ्री मुख्य क्वांटम संख्या दिया हुआ है तो कक्षकों की संख्या कितनी होगी, पहला तो याद है। दूसरा, SPDF संकेतन का प्रयोग, किसका प्रयोग? SPDF संकेतन का प्रयोग करके निम्नलिखित क्वांटम संख्याओं वाले, निम्नलिखित संख्याओं वाले कक्षक के बारे में बताएं। पहला इसको कौन कौन सा संकेतन का बात हो रहा है, S, दूसरा T, तीसरा D, चौथा F। पहला S, दूसरा P, तीसरा D, चौथा F। क्या पूछ रहा है? इसका संकेतन का प्रयोग करके क्वांटम संख्याओं वाले, क्वांटम संख्याओं वाले कक्षक के बारे में बताएं। ये है कक्षक, 2p क्या है? कक्षक। 4s क्या है? कक्षक। 5f क्या है? कक्षक। और 3d क्या है? कक्षक। समझ गए? चार आपको हम अभी कक्षक बताए, 2p 4s 5f और 3d। कैसे हुआ? तो n बराबर अगर 2 है और l बराबर 1 है तो हम लिखेंगे 2p, n बराबर 4 और 0 क्या होगा? 4s, 5 और 3 क्या होगा? 5f, और 3 और 2 क्या होगा? 3d। तो सभी लोगों को, किन्हीं को कोई कंफ्यूजन भी है? तुमको पूछ लेते हैं थोड़ा सा मिटाने के बाद। तो था SPDF संकेतन का प्रयोग करके निम्नलिखित क्वांटम संख्याओं वाले कक्षक के बारे में बताइए, जिसमें n बराबर 2 तो l बराबर 1, n बराबर 4 तो l बराबर 0, n बराबर 5 तो l बराबर 3 और n बराबर 3 तो l बराबर 2। तो उत्तर में आएगा 2, एन का था 4, 5 और 3, एल का मान दिया हुआ था 1, 0, 3 और कक्षक में ऐसे भी पूछ सकता है कि 2p में एन का मान कितना होगा और एल का मान कितना होगा, तो क्या बताइएगा? एन बराबर 2, एल बराबर 1। दूसरा, 4s में एन बराबर क्या होगा? 4 और l बराबर 0। 5f n 5 और l बराबर 3 और 3d के लिए l बराबर 2।
तो बताइए बिहार शरीफ, बिहार शरीफ में अगर हम समझा रहे हैं तो आप नहीं समझाइए, क्योंकि दोनों मिलके समझाएंगे बगल वाला तो भाग सकता है। हम अगर समझा रहे हैं तो हमको समझाने दीजिए, क्योंकि आप खुद दो मिलके समझाइएगा किसी को तो दिक्कत हो सकता है। बगल वाले से पूछिए, समझ में आ गया आप जो समझा रहे थे? आप पूछिए उनसे कि 5D के लिए N का मान क्या होगा और L का मान क्या होगा, पूछ के बताइए आप जो समझा रहे थे, समझ में आया कि नहीं? पूछिए 5D का मान, 5D कक्षक के लिए N का मान और L का मान क्या होगा? जल्दी बताइए, अब देखिए डबल U समझ गया, हम भी इधर समझा रहे थे आप भी कुछ समझा रहे थे, दोनों समझने के चक्कर में अब उस समझ में नहीं आया उसको। कितना देर से समझा रहे थे? जितना देर से हम पढ़ा रहे थे उतना देर से समझा रहे थे हम, जैसे ही बोर्ड के तरफ मुड़े समझाना उसको शुरू कर दिए। तो चलिए बोलिए 5D के लिए हरनौत से क्या होगा N का मान? N का मान 5, L का मान, L का मान 3, 4, 4F के लिए बताइए, अगर 4F कक्षक है तो N का मान, N का मान 4 और L का मान 3 का F होता है। हाँ तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। थैंक यू फॉर डूइंग लाइव क्लासेस फ्रॉम पटना। कल हम क्लास लेंगे।